एक तरफ आर्थिक मंदी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी जनता को जेब ढीली करने पर मजबूर कर रही है। प्याज के बाद टमाटर और अब तो लहसुन और अदरक के दाम भी लोगों का स्वाद बिगाड़ रहे हैं, जिसका असर ये है कि सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.99% हो गई, जबकि अगस्त में यह 3.21% थी। मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तब बीजेपी ने दावा किया था कि विकास के दम पर ही उसे ये जीत मिली है। लोगों ने पार्टी को दोबारा सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है, लेकिन बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर उसकी नाकामियों को जाहिर कर रही है। आर्थिक मंदी के दौर के बीच छलांग लगाते सब्जियों के दामों ने अब सितंबर में खुदरा महंगाई दर भी बढ़ा दी है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.99% हो गई, जबकि अगस्त में यह 3.21% थी। महंगाई दर का यह आंकड़ा अब रिजर्व बैंक की ओर से तय उच्चतम लक्ष्य 4% के करीब पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में खुदरा महंगाई दर 3.70% दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, सालाना आधार पर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बीते महीने सितंबर में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में इस महीने में 5.11% की वृद्धि हो गई है, जबकि अगस्त महीने में ये 2.99% थी। ऐसे में आर्थिक मंदी के इस दौर में ये जनता पर दोहरी चोट है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली और NCR में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रिटेल में लहसुन 300 रुपए, अदरक 120 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन विक्रेताओं का कहना है कि साल 2010 के बाद लहसुन और अदरक पहली बार इतना महंगा हुआ है। वही टमाटर और प्याज के दामों में भी अभी तक कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई। इसी तरह हरी सब्जियों के दाम भी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शिमला मिर्च जहां 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है, तो वहीं गोभी और परवल भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। व्यापारियों का मानना है कि दिवाली तक महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। डिविलाइज की रिपोर्ट।